ये देखिए, ये आवास मिला हुआ घर है जो इसके पीछे आपको दिख रहा है, पीछे बना हुआ है, ये आवास मिला हुआ घर है। और आगे से किसी तरह इसे टाट डालकर या झुग्गी का डालकर इसे ढका गया है। ये नाम बदलने से मुझे लगता है कि कुछ नहीं होगा। इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया, ठीक है। नमस्कार, यहां से अब देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना किसको मिली। आपको मेन मुद्दा है, हमारी मुद्दा है कि आवास योजना से किसको लाभ हुआ है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं आवास योजना जिनको भी मिली है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, इससे पहले इंदिरा आवास योजना था और उसको बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। अभी हम कुछ लोगों से हम बात करेंगे, जो भी जितने भी लोग हैं यहां से आप देखेंगे तो यहां पूरा प्रधानमंत्री आवास योजना से बना हुआ ये घर है। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मेन मुद्दा था कि जिसका घर नहीं है उसे एक घर मुहैया कराया जाए और उसमें सुकून से कोई रह सके, कोई व्यक्ति रह सके जो पीछे वर्ग का है, जिसको घर, जो व्यक्ति घर अफोर्ड नहीं कर सकता है, घर में रह नहीं सकता है, घर बना नहीं सकता है, उसे प्रधानमंत्री आवास योजना दी जाए। इसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया गया था। इससे पहले इंदिरा आवास योजना इंदिरा गांधी के से चला आ रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना बना दिया गया। अभी ये आपका आवास है? मेरा आवास है। अच्छा, अभी आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में ये बना हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये। अच्छा बताइए, कब मिला हुआ था आपको आवास? अच्छा 2018 में। अच्छा अच्छा, इसके अलावा भी आपको कुछ मिला? बिजली फ्री मिली हो, कोई कनेक्शन फ्री मिली हो? बिजली नहीं मिला, गैस मिल रहा है, ये आवास मिल गया। अच्छा, ये जब आवास योजना मिला तभी गैस मिल गया आपको? ना, ये घर अभी तो कितने दिन होता है, एक महीना होता। अच्छा अच्छा, इससे कुछ लाभ हो या पानी फ्री दिया गया हो या लाइट फ्री दिया गया हो? कुछ नहीं, बस आवास दिया गया है। आवास पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पर, और बिजली की सुविधा नहीं है। अच्छा, और रोड का यही हाल है। अच्छा अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में तो यही लग रहा है कि मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा, मोदी जी को वोट देंगे? अच्छा, क्यों मोदी जी को वोट देंगे? कैसे दिया जाए जॉन की हमने के टाट पला नहीं रहे इजा से उजा तक ले। अच्छा, उजला मां को हो गई। अच्छा, हमने के ती पूरा हो गई कि भाई टाट पला नहीं, काम खत्म हो गई। अच्छा, थोड़ा ठीक। अब हमने के अब ये बा कि लइकन के पढ़ाई लिखाई करावे के बा, टाट पला नहीं के काम हट गई। अच्छा, पढ़ाई लिखाई हो रहा है लड़कों का? फ्री में पढ़ रहे हैं? अच्छा, कहां है आपके लड़के? कौन ही है? अच्छा, कितने में पढ़ते हैं? 10 में, 10 का पेपर दिए हैं। 10 का पेपर दे चुके हैं? हाँ। मेरिट आ गया है? हाँ। कितना परसेंट है? 65% है। हाँ। अच्छा, कितना हुआ नंबर, कितना हुआ? 392। हाँ। 392 का परसेंटेज हुआ 65%। हाँ। अच्छा, नंबर तो अच्छा लाए हैं 10th में। अच्छा, आगे क्या करना है? आगे यही पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हैं। अच्छा, तो उसी का तैयारी कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक का? हाँ। अच्छा, पॉलिटेक्निक का फॉर्म डाले हुए हैं, आगे तैयारी करेंगे पॉलिटेक्निक का? हाँ, और 11th में नाम लिखवाएंगे। अच्छा, तब कैसे 11th में एडमिशन करवाएंगे? 11th में अब करवाएंगे जब एडमिशन होगा तब ना। अच्छा अच्छा, इंग्लिश पढ़ लेते हैं? बहुत नहीं पढ़ते हैं, तभी भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, आपके स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है नहीं होता है? उतना अच्छा नहीं पढ़ाई होता, हम तो कोचिंग जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे इसीलिए। अच्छा, एक महीना का 400 रुपये देते थे और जाते थे। अच्छा, स्कूल की स्थिति कैसी है आपकी? स्कूल की स्थिति अब क्या होता, हम जाते नहीं थे, स्कूल नहीं जाते थे। अच्छा, बस एडमिशन करवा दिए थे? हाँ, एडमिशन करवा दिए थे। अब जब एडमिट कार्ड आता है ना तभी हम गए और लेकर चले आए। अच्छा, पढ़ाई करने के लिए नहीं जाते हैं मिडिल स्कूल में, जो सरकारी स्कूल है आपका? में हम पढ़ते हैं। अच्छा, बांसड इंटर कॉलेज। हाँ। अच्छा, तो हम कोचिंग पढ़ते थे विजन एकेडमी, और 400 रुपये देते थे महीना का। अच्छा, स्कूल से आपका कोई लेना देना नहीं है? नहीं, हम स्कूल नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे स्कूल? स्कूल में उतना बढ़िया पढ़ाई नहीं हो रहा था, 1-2 घंटे हो रहा था, उसके बाद नहीं कर रहे थे, मर्जी के ऊपर था। अच्छा, उनकी मर्जी के ऊपर है पढ़ाई करना? हाँ, इसीलिए हम कोचिंग कर रहे थे। अच्छा, यानी सरकारी स्कूल की स्थिति दयनीय है। हाँ। चलिए,
चलिए ठीक है, अच्छा नंबर लाए हैं। अभी अभी हम कुछ आवास आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे तमाम आवास हैं। हम आवास को दिखाने के लिए मेन मुद्दा हमारा यही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को हम दिखाएं कि आवास योजना में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं। आवास योजना मिला हुआ है, अच्छे से मिल गया है, नहीं मिला है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री आवास देने में कुछ लगा भी था, कुछ दिया हुआ गया था पैसा वैसा? इतना तो हमारा जानकारी नहीं है, परिवार के नाम से आया है। अच्छा, तो शायद बीच में कुछ देना लेना की बात नहीं हुई? ना, देना लेना की बात नहीं। अच्छा, डायरेक्ट खाते में आ गया? देखा तो ए सलोनी कमी। अभी ये देखिए, ये आवास मिला हुआ घर है जो इसके पीछे आपको दिख रहा है, पीछे बना हुआ है, ये आवास मिला हुआ घर है। और आगे से किसी तरह इसे टाट डालकर या झुग्गी का डालकर इसे ढका गया है। ये नाम बदलने से मुझे लगता है कि कुछ नहीं होगा। इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया, ठीक है, सत्ता का जो खेल है वो चलता रहेगा, हमें दिखाना काम है, हम दिखाते रहेंगे। अभी आप देख सकते हैं, ये जो घर है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला हुआ था। इसके पीछे घर दिख रहा है आपको, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिला हुआ था। ये साइड में मैं दिखा दूं कि यहां से पूरा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही ये बना हुआ घर है। साइड में भी दिखाइए तो वही घर दिख रहा है, वो सामने दिखाइए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र लिखा हुआ है, आपको तमाम दिख रहे हैं। यहां पे हम इस क्षेत्र को इसलिए कवर करने के लिए हम चले हुए हैं कि इसमें तमाम आवास योजनाएं मिली हुई हैं, इसकी वजह से इस क्षेत्र को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक बार गए हुए थे तब लगा कि यहाँ पे साइड में प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने भी घर हैं साइड में दिख रहे हैं। रोड के साइड किनारे या दाएं साइड या बाएं साइड देखेंगे तो आवास योजना से बना हुआ ही एक एक ईंट आपको दिखेगा। पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोग खुश हैं या नहीं है वही जानने के लिए हम चले हुए हैं और आवास योजना दिखाने के लिए हम चले हुए हैं। ये आवास आपका है माता जी? अच्छा, कब मिला हुआ था, किसके नाम से आया हुआ था? आपके नाम से आया हुआ था? तीन आदमी का है। अच्छा, तीन आदमी का आवासी का है घर। अच्छा अच्छा, कुछ जो दिलवाए थे देना वाना पड़ा था आपको पैसा? अच्छा, यानी पैसा वैसा देना पड़ा उन लोगों को जितना आया? कितना देना पड़ा? ये तो खाते में आया होगा पैसा, तो खाते में से निकाल के देना पड़ा आपको उनको कितना? अच्छा, जो दिलवाए आपको आवास, आपके आवास का पैसा आपके खाते में आया? अच्छा, तो किसको देना पड़ा पैसा? अच्छा, चलिए ठीक है, कुछ जानकारी नहीं है आपको इसके बारे में? कोई है यहाँ पे घर में? अच्छा, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि यहाँ पे तमाम आवास से बना हुआ ही घर है। हमारा मेन मोटिव यही है कि आवास से बना हुआ घर को दिखाएं और उसकी जानकारी दें कि अच्छा बना है, उससे संतुष्ट हैं या लोग क्या संतुष्ट हैं। अच्छा, आपका आवास से बना हुआ घर है? अच्छा अच्छा, कौन सा घर है आपका? इधर है, आवास से ही बना हुआ घर है आपका? अच्छा, कब मिला था आवास ये? ये तो जून मिला नहीं। अच्छा, आवास मिला तो आपको कुछ देना होना पड़ा? हमको देना नहीं पड़ा। अच्छा, तुरंत खाते में आ गया? खाते में आ गया। अच्छा अच्छा, सरकार इस चुनाव में कैसी है? बढ़िया है, जो है तो अच्छी है। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं लड़के आपके? हाँ, लड़का पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। अच्छा अच्छा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना आपको मिला हुआ है? मिला हुआ है। अच्छा, कितने वर्ष हो गए मिले हुए? करीबन ज्यादा दिन हो गया ना? अच्छा अच्छा, तो ये आवास के साथ साथ बिजली वजली फ्री होगी? कुछ नहीं मेरे को। अच्छा, कुछ नहीं, थोड़ी नीचे आ जाइए थोड़ा। आवास के साथ साथ कुछ नहीं मिला हुआ अभी? कोई साधन नहीं मिला, बस आवास मिल गया? बस आवास मिल गया आपको? अच्छा, चुनाव में क्या लग रहा है? हाँ, चुनाव आ गया है। चुनाव आ गया है? हाँ, चुनाव आ गया, तो किस में वोट जाना है और क्या? अच्छा, सरकार कौन सी अच्छी लग रही है आपको? कौन सी सरकार अच्छी है?
अच्छी तो समय बताएगा ना। हाँ समय बताएगा। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? ना ना गलत काहे लिए बोलेंगे आप, ठीक है। अच्छा इसके साथ कुछ नहीं मिला, बस आवास मिल गया आपको बस। अच्छा इसमें कुछ देना होना पड़ा किसी को? नहीं देना क्या पड़ा, उसमें क्या है, कुछ देने अकाउंट में पैसा आ गया। अच्छा इसे ठकवाते उगाते नहीं है चेयरमैन साहब? सामने देख रहे हैं हम, क्या बताएंगे, आप खुद नजर से लोग रहा है, अपना देख रहे हैं ना। अभी हम एक क्षेत्र था जिसमें हमने आवास को दिखाने की कोशिश की और आवास को दिखाने के लिए हम निकले हुए थे कि कितनों को आवास मिला है, कितना बेनिफिट है इसका और क्या फायदे हैं आवास के। जिनको आवास नहीं था उनको आवास मुहैया कराया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुहैया कराया गया। पर ये आवास है आप दिखाइए, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इससे आवास बना हुआ है और डायरेक्ट पास में एक नाली बह रही है जिसमें मैं खड़ा हुआ हूं। एक जो सीमेंट का पट्टा है इस पे मैं खड़े होकर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तमाम जो नालियां हैं, इससे तो मैं नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ही बनवाएं, पर जो उनके नेतृत्व में आ रहे हैं कम से कम उनको ये ध्यान देना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सामने तो कम से कम ये जिल्लत भरी जिंदगी ना जियाई जाए किसी को, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना किसी अमीर को नहीं मिलती है, किसी मध्यम वर्ग को भी नहीं मिलती है, क्योंकि मध्यम वर्ग वो होता है जिसका एक घर हो। एक निचले श्रेणी को मिलता है जिसका घर नहीं है, घर अफोर्ड नहीं कर सकता है, घर बना नहीं सकता है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना मुहैया कराई जाती है, दी जाती है। पर यह ख्याल कभी नहीं रखा जा रहा है यहाँ पे आवास के तहत कि कम से कम इसको यहाँ पे अच्छी तरह से आवास के सामने कम से कम अच्छी तरह से इसे रखा जाए। ये लोगों में गलती है या चेयरमैन की गलती है या यहाँ के जितने भी नेता हैं उनकी गलती है, ये तो लोग जानते हैं, वोट देने वाले जानते हैं, चुनाव नजदीक है, ये वोट देने वाले जानते हैं कि किस नजरिए से वोट देना है लोगों को, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आप दिखा दीजिए एक बार, उस पर हम नजर डालते हैं। देखते रहे नागरिकता न्यूज चैनल, नमस्कार।